इतना अच्छा सर्विस मुझे नहीं लगता है कोई और कंपनी कर रही है। ट्विटर पे मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था, वीवो के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाने का है। हमारे द्वारा डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया गया है, कोई चार्जेस नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग शुरुआत करता हूं अपने कार में, क्योंकि घर से निकल चुका हूं और अभी हाईवे पे हूं, बलरामपुर जा रहा हूं। आप लोगों को दिखाता हूं ये फोन। पहले ये फोन देख लीजिए, इस फोन के बारे में आप लोगों को पता होगा, वीडियो देखे होंगे। एक्चुअली ये फोन जो है वारंटी से आउट ऑफ वारंटी था और ये 50,000 रुपए का फोन है वीवो कंपनी का। तो ये डिस्प्ले में प्रॉब्लम आया था भाई, आप लोग दोबारा देख लो अच्छे से। ये प्रॉब्लम जो आया था ना भाई, तो इसका डिस्प्ले में मतलब मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होता, ऐसा नहीं कि फोन गिरा हो, दबा हो। अगर इस तरह से होता है तो मेरा मिस्टेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये अपने से हो गया था। तो मैंने कंप्लेन भी किया और फिर उसके बाद में वीडियो बनाया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, बाकी यूट्यूब पे बनाते ही हो। तो कंपनी वालों को भी पता चल गया और कंपनी वाले ने मुझे संपर्क किया, बुलाया और इसका ऑर्डर किए। 15-20 दिन पहले ही ऑर्डर किए, आ गया है डिस्प्ले। अभी आज मेरे को फोन आया था कि आप आके लगवा लीजिए अपना फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही मैं जा रहा हूँ बलरामपुर, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, काफी अच्छा वीडियो है, आपके काम का वीडियो है, आपको भी पता चल जाएगा। कभी इन फ्यूचर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कैसा करना होगा ताकि आपका पैसा बच जाए। अभी इसका कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है, समथिंग 18,000 रुपया है। अभी मेरा 18,000 रुपया बच रहा है, कंपनी फ्री में करके दे रही है, क्योंकि कराने वाला होना चाहिए भाई, ठीक है। मेरा मिस्टेक नहीं है तो करके क्यों नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए मेरा काम हो गया। अभी डिस्प्ले आया है, फटाफट चलते हैं हम स्टोर और डिस्प्ले लगवाते हैं। डिस्प्ले लगवाने के बाद में ये भी देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम आता है इसमें, क्योंकि ये कंपनी का है। अभी वो भी कंपनी का ही रहेगा, लेकिन क्या है दोबारा लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या सेम चल रहा है, वो जो भी रहेगा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बने रहेगा एंड तक देखना दोस्तों, अच्छा वीडियो है, आपको भी कुछ सीख मिलेगा। तो गाइस देखिए, बारिश होने लगा, अभी आधे रास्ते पे मैं पहुंचा हूँ, आधे से कम रास्ते पहुंचा हूँ और बारिश होने लगा बहुत तगड़ा। कोई मुश्किल नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश होना भी चाहिए, बारिश का बहुत ज़रूरत था। अभी देखो जैसे आगे निकला तो यहाँ स्लो है, पीछे बारिश हो रहा था ठीक ठाक और अभी यहाँ पे कम हो गया, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट स्टोर पर भाई। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ वीवो सर्विस सेंटर पर, और ये रहा वीवो सर्विस सेंटर, देखिए आप लोग। अब चलते हैं हम अंदर, गाड़ी पहले आगे लगाते हैं। तो गाइस फाइनली फोन में अंदर दे दिया हूँ, 1.5 से 2 घंटे का टाइम बोल रहे हैं लगेगा, और उसके बाद में मैं लगा के देता हूँ। तब तक हम लोग जाते हैं कहीं चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं। अभी यहाँ से हम पीते हैं जूस, क्योंकि चाय से अच्छा है जूस पियो और बॉडी बनाओ, हेल्दी चीज़ पे ध्यान दो गाइस, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्या ज़्यादा जूस बना दीजिए, मौसम्मी का जूस। हाँ नमक नहीं रहेगा, लो भाई। नहीं की प्रॉब्लम थी जी, हमारे द्वारा डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया गया है, तो कोई चार्जेस नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी कोई चार्जेस मेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके। आज ही आपका हैंडसेट जमा हुआ है, सेम डे रिपेयर होकर मिल गया है जी। डिस्प्ले की वारंटी है 90 डेज की, अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आती है अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जैसे लाइनिंग को छोड़ के भी अगर 90 डेज के अंदर कोई समस्या होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। कंपनी से हमारे रेटिंग के लिए कॉल आएगा, 5 to 1 में रेट करना होता है, जहाँ बहुत अच्छे के लिए 5 रेटिंग है। प्लीज वे सर्विस के लिए 5 रेट करें, कोई भी समस्या होता है इन फ्यूचर जी। ये हमारा नंबर है, ओके, हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे केयर का नंबर है, पीछे हमारे मैनेजर से कॉल करें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई सर्विस का, ठीक है, थैंक यू। तो भाई आप लोगों से मैंने बात किया था कि मैं वीवो सेंटर पे जा रहा हूँ, और जो भी था आगे आपने देखा होगा। तो फाइनली मेरा एक काम हो चुका है, देख लीजिए आप लोग, डिस्प्ले एकदम ओरिजिनल डिस्प्ले लग गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगा है। और बाकी अगर इसको मैं बाहर करवाता ओरिजिनल तो इसका क्या प्राइस था भाई?
डिस्प्ले का प्राइस है सर 12,295 रुपए। अच्छा। 12,000 रुपए डिस्प्ले का प्राइस है, 295 लेबर चार्ज है जी, टोटल 12,295 रुपए चार्जेस आएगा। डिस्प्ले स्क्रीन में लाइनिंग है जो ये स्पेशल इशू है जी जी, इसकी वजह से हमारी कंपनी से अंडर वारंटी क्लेम प्रोवाइड करा रही है। जो भी कस्टमर्स के हैंडसेट में लाइनिंग की इशू आ रही है एक्स सीरीज के हैंडसेट है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके कस्टमर को दे रहे हैं जी जी। तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि ट्विटर पे मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था। तो अभी कोई भी चीज़ टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, वीवो के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाने का है। जो प्रॉब्लम था ये लोग सही करके दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा 50,000 रुपये का फ़ोन था, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके दिया, बहुत अच्छा लगा। सर्विस अच्छा था भाई, इन लोग का सर्विस बहुत बढ़िया है। आप कहीं से भी हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है बशर्ते आपका फ़ोन आपके फ़ोन में पानी ना गया हो, गिरा ना हो, और ऐसे अगर प्रॉब्लम आया है तो आप जहाँ से भी हो आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फ्री में आपका काम हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।